हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, हेयर इज ए ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम द टीसीएस टीम। मैंने पहली बताया था दैट आई गॉट लॉट्स ऑफ डीएम्स, लॉट्स ऑफ ईमेल्स फ्रॉम माय सब्सक्राइबर साइड दैट सर आई गिव एन इंटरव्यू फॉर निंजा रोल, बट आई गॉट ऑफर लेटर फॉर डिजिटल और निंजा। आई गिव एन इंटरव्यू फॉर डिजिटल बट आई गॉट द निंजा ऑफर लेटर। सो ये बहुत सारे लोगों के पास ये आया था, दैट्स व्हाई एम क्रिएटिंग दिस सेपरेट वीडियो सो दैट मैं आपको चीज को क्लियरली मैं समझा पाऊँ। ठीक है, टीसीएस बिगेस्ट न्यू चेंजेस इन इंटरव्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया, टीसीएस प्राइम एंड डिजिटल रोल इज फुल ऑफर लेटर डाउनग्रेडेड टू निंजा फॉर प्राइम एंड डिजिटल इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट्स, सेंडिंग ओनली निंजा ऑफर लेटर मेल एंड व्हाट आर द चांसेस फॉर सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं सर, व्हाट आर द chances for getting selection after interview. See, if you are given interview for smart and ignite candidates, then there is a high chance for getting shortlisted. But if you have given the interview for the prime role, then there is a chance for getting you the prime, the same role, but there is a वेरी फ्यू चांसेस। लेट सपोज अगर आप सेकेंड फेज में कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो, जिन्होंने सेकेंड फेज में अपना इंटरव्यू का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, सो देर इज अ वेरी लेस चांस दैट इफ यू गिव द प्राइम इंटरव्यू देन यू विल रिसीव अ प्राइम ऑफर लेटर, देर इज अ वेरी लेस चांसेस। इफ यू गिव द डिजिटल इंटरव्यू एंड यू आर सपोज टू रिसीव डिजिटल ऑफर लेटर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी लेस चांसेस। बट येस, इफ यू गिव द निंजा इंटरव्यू देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट योर सिलेक्शन मेल एंड ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट अ रिजेक्शन मेल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन मेल ही आएगा, रिजेक्शन भी आ सकता है। बट हाँ, प्राइम वालों के पास दो अपॉर्चुनिटी है कि आइदर प्राइम कैंडिडेट्स विल गेट अ डायरेक्ट रिजेक्शन और दे विल गेट अ डाउनग्रेड ऑफर लेटर। सेम इज लाइक ऑफ डिजिटल के पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड दे आर कम अंडर फेज टू, देन डेफिनेटली आइदर यू विल रिसीव अ निंजा ऑफर लेटर, डाउनग्रेड ऑफर लेटर, और एल्स यू विल रिसीव डायरेक्टली रिजेक्शन मेल फॉर योर टीचर्स नेक्स्ट डे पोर्टल और योर यू विल रिसीव अ मेल ऑल्सो इफ यू हैव बिलोंग टू द फेज टू। क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऑल आर इंटरव्यू रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स अंडर कम्स फॉर फेज टू। मैंने पहले बताया था फेज वन में ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, करेक्ट। और जो फेज टू में है उनमें से भी बहुत कम लोगों का सिलेक्शन आएगा और ज्यादातर लोगों का रिजेक्शन मेल देखने को मिलेगा, बिकॉज फेज टू में ज्यादातर रिजेक्शन ही होगा, मास रिजेक्शन होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी आपको अपडेट भी कर चुका हूँ दैट फॉर दोज कैंडिडेट्स और स्टिल वेटिंग फॉर द इंटरव्यू रिजल्ट दे कम्स अंडर फेज टू एंड फेज टू कैंडिडेट विल रिसीव अ रिजेक्शन मेल, देयर इज अ हाई चांसेस। ओके, सो यहाँ पर चेंज है। अब प्राइम डिजिटल का रोल फुल हो चुका है सर, हाउ यू कैन से इन दिस लाइन, बिकॉज मैं इतने लोगों से बात कर चुका हूँ जिन्होंने अपना प्राइम का इंटरव्यू दिया था, बहुत सारे लोगों का तो रोल डाउनग्रेड हुआ है, कुछ लोगों का तो रिजेक्शन भी हो चुका है इंटरव्यू में फेज वन में। फेज टू भी काफी लोगों का रिजेक्शन हुआ है, डिजिटल का भी सेम है। तो जो लोग भी पेंडिंग रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इंटरव्यू रिजल्ट का वेट कर रहे हो, यू ऑल अंडर फेज टू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी पास रिजेक्शन आएगा, देखो आपके पास सिलेक्शन आए या रिजेक्शन आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। आप सिलेक्शन हो जाओगे तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपका रिजेक्शन होगा इसमें आपका बैड न्यूज है। मैं बस यहाँ पर वो अपडेट दे रहा हूँ जो हमारे पास अपडेट्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। फेज टू में ज्यादातर रिजेक्शन में देखने को मिलेंगे, होपफुली आपके पास सिलेक्शन मिल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। बट मैं वीडियोस बना रहा हूँ, दैट्स आई एम सेइंग द राइट लाइन कि हाँ ये करेक्ट वे। मैं बोल सकता हूँ सभी पास सिलेक्शन आएगा, अब मान लो मैं वीडियो बना के बोल दूँ सभी के पास सिलेक्शन मिल आएगा फेज टू वालों का, फिर किसी रिजेक्शन आएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर आपने तो झूठ बोला कि रिजेक्शन मिल मुझे क्यों आया, सर आपने सिलेक्शन मिल बोला था, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज फेज वन में ऑलरेडी सिलेक्शन मिल आ चुके, लोगों का ज्वाइनिंग भी हो चुका है, ज्वाइनर भी आ चुका है फेज वन वालों का। अब आप लोग फेज टू में बिलोंग कर रहे हो तो यू नेवर नो, आइदर यू विल रिसीव सिलेक्शन मेल और रिजेक्शन मेल और योर ऑफर लेटर इज गोइंग टू बी डाउनग्रेडेड अगर आपने प्राइम और डिजिटल का इंटरव्यू दिया है तो। ये टोटली डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे फिर ब्रो आई गिव इंटरव्यू फॉर प्राइम, माई इंटरव्यू इज गुड बट दे मेंशन देयर इज ऑफर फॉर निंजा इन मेल, इज इज फाइनल, एम आई सिलेक्टेड फॉर निंजा, यस यू आर सिलेक्टेड फॉर निंजा। क्योंकि ऐसा आपके साथ में नहीं, बहुत साथ में ऐसा हो चुका है किसी को, ये सोचो आपको तो निंजा का रोल मिल गया, किसी को तो प्राइम के बाद कोई रोल भी नहीं मिला, डायरेक्ट रिजेक्शन हो गया। मैंने पहले ही बताया था प्राइम में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, डिजिटल में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और निंजा में तो भर भर के सिलेक्शन, बिकॉज निंजा का सैलरी काफ़ी कम है। आप लोग इंडियन सैलरी करोगे, वर्क फ्रॉम ऑफिस काम करोगे तो आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे बड़े बड़े सिटीज़ में रहना, ठीक है। निंजा वालों को ज़्यादातर मिल रहा है ऑफर लेटर, चलो अच्छी बात है, आप लोगों का टीसीएस ड्रीम कंपनी था, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू जॉइन द कंपनी, तो ज्वाइन कर लो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना कि अभी भी फेज वन फेज टू का मैंने बता दिया आप लोग को, फेज टू में क्या चांसेस है, फेज वन में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है रिजल्ट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर बताना कितने लोग अभी भी ऑफर डाउनग्रेड हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर बताना, और किसका रिजल्ट पेंडिंग में है, आप लोग कब से इंटरव्यू रिजल्ट का वेट कर रहे हो कमेंट के जरूर बताना, ताकि मेरे पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। मैं वैसे भी सभी कमेंट कर रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बताना अगर आपके पास सिलेक्शन मिल आया है, रिजेक्शन मिला है, फिर आप लोग इंटरव्यू का वेट कर रहे हो, कब से वेट कर रहे हो, कौन से रोल से हो, प्लीज़ मेंशन करना,
ताकि मैं आपकी आपकी कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपका हेल्प आउट कर पाऊँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।